स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवन का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द सेंटेंस सेंटेंस का आज हम लोग थर्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। और थर्ड रीडिंग आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज टू, इसका सॉल्यूशन का आज बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ आपको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? तो कॉपी में मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊँगा, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए पेज नंबर सिक्स पर एक्सरसाइज टू का आज हम लोग आंसर देखेंगे। इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच, यानी कि जैसा डायरेक्शन दिया गया है प्रत्येक सेंटेंस के सामने आपको उसी के अनुसार इन सेंटेंसेस में चेंजेस आपको लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला है क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस सेंटेंस को आपको बदलना है किसमें, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका इंट्रोगेटिव आपको ढूंढना है। इसका इंट्रोगेटिव होगा डज द सन राइज इन द ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ये सन है, जो सन है वो क्या है, वो एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने उसके पहले हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया है। तो डज जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, और ये जो राइजेज है उसमें से हम लोग एस हटा देंगे तो हो जाएगा डज द सन राइज इन द ईस्ट। और लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क पुटअप करना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, तो ये है फर्स्ट आंसर। सेकेंड सेंटेंस का देख लेते हैं, माई अंकल सेंड्स मी गिफ्ट ऑन एवरी बर्थडे। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, और इसे हम लोग बदलेंगे किसमें, नेगेटिव में। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कैसे बदलेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो सब्जेक्ट है माई अंकल, माई अंकल वो एक सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। तो इसे नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग डज का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डज का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, माई अंकल डज नॉट सेंड मी गिफ्ट ऑन एवरी बर्थडे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? तो इसके लास्ट में भी हम लोग एक फुल स्टॉप पुटअप करेंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड जो सेंटेंस है वो है, माई फादर लव्स फ्लावर्स। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक, और इसे हम लोग को चेंज करना है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा इसे कैसे बदलेंगे, डज माई फादर लव फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ, हैव यू नॉट सीन एनी फिल्म येट। इसे आपको बदलना है स्टेटमेंट में, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसे हम लोग एक स्टेटमेंट में बदलना है, ठीक है? तो देखिए हमने कैसे इसको बदलेंगे, इसके कर देंगे यू हैव नॉट सीन एनी फिल्म येट, ठीक है? यू हैव नॉट सीन एनी फिल्म येट, तो इसे हमने स्टेटमेंट में बदल दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग फाइव देखेंगे, दे वेयर गोइंग टू कॉल यू, ठीक है? दे वेयर गोइंग टू कॉल यू, इसे हमें बदलना है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे बदला है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब वेयर को हमने सब्जेक्ट के पहले हमने लिखा है, वेयर दे गोइंग टू कॉल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, इसमें वेयर पहले आ जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, द डॉग्स नंबर सिक्स, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इसे भी द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, इसे भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। और ये देख लेते हैं, इसे हो जाएगा डू द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डू क्यों लगा, यहाँ पर डज हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है वो देखिए वो क्या है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम लोग यहाँ पर डज लगाते, लेकिन क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है इसलिए हमने नियमों के अनुसार हमने डू का यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी पुटअप किया है। तो आइए सेकेंड सेवन नंबर का देख लेते हैं, ही कैनॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है? इसे हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है।
तो ये अभी किस अवस्था में है? ये अभी एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसे हमें बदलना है अफर्मेटिव में. ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं हम कैसे बदलेंगे. हम लोग लिख देंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. इसमें हम लोग नॉट हटा देंगे, ठीक है, नॉट हटा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, ये बन जाएगा अफर्मेटिव. तो हो जाएगा ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लास्ट में फुल स्टॉप. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 8, द प्रिंसिपल स्कॉल्डेड सम स्टूडेंट्स. तो 8 नंबर का जो ये सेंटेंस है इसे हमें बदलना है नेगेटिव सेंटेंस में. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बदलेंगे नेगेटिव में. द प्रिंसिपल डिड नॉट, ध्यान रखिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है डिड नॉट. हम लोग यहाँ पर डज नॉट हमने यूज़ नहीं किया, डिड नॉट यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि ज़रा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर द प्रिंसिपल के बाद V2 है, स्कॉल्डेड. ये स्कॉल्ड नहीं है, ये स्कॉल्डेड है. तो इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है. तो क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया है. और डिड नॉट के बाद हम लोगों ने V1 वर्ब के पहले फॉर्म स्कॉल्ड का यूज़ किया है. तो प्रिंसिपल डिड नॉट स्कॉल्ड सम स्टूडेंट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप. नंबर 9 में देख लेंगे, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. तो ये एक सेंटेंस है, इसे आपको बदलना है एक इंपरेटिव सेंटेंस में. ओके स्टूडेंट, तो आइए इसे इंपरेटिव बदलते हैं. इसे हम लोग बदल देंगे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. विल यू लेंड मी सम मनी, ठीक है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसे हमें चेंज करना है इंपरेटिव में. तो इंपरेटिव में से कैसे बदलेंगे ये देखते हैं. इसे बदल देंगे लेंड मी सम मनी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक्सरसाइज 2 का आंसर्स. अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है. और अगले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि आगे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही.